नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्किल में। देखिए, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ऑनलाइन आ पाया हूँ, ताकि देखिए जो RRB ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, इसलिए तो मैंने सोचा कि मैथ का वीडियो आगे डाला जाए। तो देखिए, परसेंटेज मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, परसेंटेज का वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, मेरे चैनल पे जाके। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का वीडियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और सब बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक पढ़ाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा लेवल ऊपर उठाएंगे। देखिए, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, लेवल ऊपर उठता जाएगा, तो दोस्तों आज जो है प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी देखिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लस रेलवे ग्रुप डी, इसका लेवल रहेगा और इसके ऊपर भी लेवल रहेगा, ताकि जो दूसरे बच्चे इसका कोई दूसरा एग्जाम देना दे रहे हैं उनके लिए भी ये रहेगा। तो दोस्तों देखिए, मैथ जो है हर एक एग्जाम में आती है, चाहे बीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, और चाहे जो एसएससी सीजीएल वगैरह और 10+2 इसमें तो आती है, बाकी हर एक में मैथ पूछी जाती है। तो आज स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना होगा प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, कि हानि और लाभ। जैसे कि कोई वस्तु आपने किसी कीमत पर बेच दी और किसी कीमत पर खरीदी, तो क्या लाभ हुआ क्या हानि हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक फार्मूले आप जानना जरूरी है कि लाभ हानि क्या होता है। तो सबसे पहले लाभ, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे देखिए पढ़ लीजिए, सेल्स प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, ये प्रॉफिट बराबर ऐसे निकलता है, जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य है और किसी वस्तु में आपने विक्रय मूल्य पे कोई वस्तु बेची है, कितने पे बेची, तो लाभ अगर पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे। ठीक है, यही अगर हानि पूछ रहा है, हानि हानि क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखिए, यहां पे हानि माइनस में आएगी, लेकिन हानि तो हमेशा माइनस में होती नहीं है, तो इसलिए माइनस में आएगा कोई दिक्कत नहीं, इसको माइनस आपको कंसीडर नहीं करना है। अब परसेंटेज पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है और हानि परसेंटेज कितना आ रहा है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। पहले बेसिक फार्मूले देख लेते हैं, उसके बाद प्रतिशत लाभ। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज यानी प्रतिशत लाभ अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, ये अगर इंग्लिश में देखना है तो एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला है, ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, और प्रतिशत हानि का ये पे देख लीजिए, प्रतिशत हानि का भी सेम फार्मूला है, परसेंटेज लॉस एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। ठीक है, अब बस यहाँ पे ये है, यहाँ पे माइनस आएगा, लेकिन माइनस को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि हानि जो है कभी माइनस नहीं होती, मतलब रुपए जो होते कभी माइनस नहीं होते, तो फार्मूला सेम ही है। आप अपनी सर्विस के लिए ऐसा रख सकते हैं, सीपी माइनस एसपी कर लिए तो प्लस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी एक दो फार्मूले बेसिक है, बाकी जो है ऐसे ही चलेगा सब। अब देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन, माना कि किसी ने कोई के सीपी किसी का कास्ट प्राइस
₹100 थी, ठीक है। किसी वस्तु की जो कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य था ₹100 था, और उसने क्या ₹120 में बेच दिया, यानी एसपी, ठीक है, यानी सेल्स प्राइस कितने में, 120 में उसको बेच दिया। तो पूछा गया प्रतिशत लाभ बताइए, ठीक है, ₹100 में कोई चीज खरीदी, ₹120 में बेच दिया, ठीक है, प्रतिशत लाभ पूछा गया। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 20, ठीक है, कहां से 100 से, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज लाभ निकालने के लिए, प्रतिशत लाभ प्रॉफिट, तो ये कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे फार्मूला लगा लीजिए आप, फार्मूला लगाने में क्या, एसपी माइनस सीपी अपॉन 100, सेल्स प्राइस कितना 120 है, कास्ट प्राइस कितना 100 है, बटे सीपी करते हैं 100 इंटू 100, ऊपर कितना बचेगा, यहाँ 20 बचेगा, नीचे 100 और इंटू 100, ठीक है, आएगा हमारा 20%, ठीक है। तो इससे भी लगा लो चाहे फार्मूले से लगा लो, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था बेसिक समझाने के लिए कि कैसे प्रतिशत लाभ निकलता है, कैसे परसेंटेज हानि निकलती है, जिनको कुछ नहीं पता है उनके लिए। देखिए बहुत सारे बच्चे जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं जो 8 साइड से हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं 8 साइड से, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं 8 साइड, बहुत सारी लड़कियां जो पीसीएस तैयारी कर रही हैं उनको मैथ नहीं आती, वो मैथ की वजह से उनका रह जाता है पीसीएस। और तो ये अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आपको जरूर समझ में आएगा, ताकि आप जो क्वालिफाई कर सकेंगी, और उस लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा जिस लेवल तक क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में, ठीक है। अब जैसे एक ये तो प्रॉफिट की बात हो गई, मान लेते हैं कि कोई सीपी यानी कास्ट प्राइस, किसी ने कोई वस्तु यानी किसी ने कोई किताब मान लो ₹100 की खरीदी, ठीक है, ₹100 खरीदी और उसको बेच दिया कितने में, ₹80 में बेच दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि प्रतिशत हानि बताइए, हानि तो इनका इनका डिफरेंस कितना है, ₹20 आ रहा है, ठीक है, कहां से आ रहा है ये तुमको देखना है, 100 से इंटू 100, जीरो जीरो कर दें कितना आ जाएगा, 20% की हानि आ गई, हानि प्रतिशत, ठीक है, नहीं तो उस फार्मूले में रखकर देख लीजिए, ठीक है, परसेंटेज हानि क्या होती है, फार्मूला एसपी माइनस सीपी बटे 100 इंटू 100, ठीक है, यहां पे रख के देख लीजिए, ये तुम्हारा 80 है माइनस 100 बटे बटे 100 इंटू 100। अब मैंने कहा तो ऊपर माइनस आएगा, 80 में से 100 घटाएंगे तो 20 से आएगा, माइनस करेंगे माइनस तुमको कंसीडर नहीं करना है, 20 बटे 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल है, आंसर कितना हमारा 20% निकलेगा प्रॉफिट, ये हानि हमारी 20% होगी, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक थे, कैसे हानि निकालते हैं कैसे लाभ निकालते हैं, ठीक है। बाकी अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक, 36 किताबों का लागत मूल्य, तीस किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 36 किताबों का लागत मूल्य है,
वो 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि या लाभ बताइए, जो भी हो रहा है वो आप बताना है परसेंटेज में, क्या लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, सिंपल से आपको लिख लेना है 36 किताबों का लागत मूल्य, ये लागत मूल्य है यानी कि सीपी, 36 सीपी इक्वल टू 30 किताबों विक्रय मूल्य बराबर यानी 30 एसपी। ठीक है, 36 सीपी इक्वल टू 30 एसपी रखना। ठीक है, तो एसपी बटे सीपी हमको करना है, तो ये सीपी इसके नीचे ले आओ, ये 30 इसके नीचे ले आओ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसपी बटे सीपी कितना हो जाएगा, 36 बटे सीपी कितना तुम्हारा 30। अब देखिए यहां पे आ गया, ये सीपी 30 है, एसपी 36 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 आ रहा है। ठीक है, हमने सीपी था क्रय मूल्य, एसपी था विक्रय मूल्य, सीपी तुम्हारा 30 आया, एसपी तुम्हारा 36 आया। ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 6 आया, 6 नीचे रख दिया, 6 ऊपर रख दिया, कहां से आ रहा है 30 से। ठीक, हम नीचे परसेंटेज निकालने के लिए सीपी तो रखते नीचे, तो 30 नीचे रख देंगे इंटू 100। अब काट दो, 100 खत्म करो, 3 × 6 = 20, तो यानी कितना आया हमारा 20% लाभ आया है हमारा। लाभ क्यों आया, क्योंकि सीपी तुम्हारा 30 है और एसपी तुम्हारा 36 है, इसलिए तुम्हारा लाभ आएगा, लाभ कितना है 20%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन इस टाइप से लगाइएगा, ये बेसिक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और इसी टाइप कर लेते हैं, मिटा देते हैं इसको, एक क्वेश्चन दूसरा सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लेंगे। देखिए एक टॉपिक से दो, एक टाइप के दो दो तीन तीन क्वेश्चन कराएंगे ताकि समझ में आए। ठीक है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, दस वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है। ठीक है, पंद्रह वस्तुओं का लागत मूल्य, दस वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, डिजिट चेंज कर दिया, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको परसेंटेज लाभ बताना। ठीक है, देखिए 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी 15 लागत है सीपी इक्वल टू 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है यानी 10 एसपी हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा एसपी बटे सीपी करना है, ये इसके नीचे ले जाना है और ये इसके नीचे ले जाना। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, एसपी बटे सीपी 15/10। ठीक है, अब देखिए सीपी तुम्हारा 10 आया, एसपी तुम्हारा 15 है। ठीक है, डिफरेंस कितना है दोनों का, 5 है, हमसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, परसेंटेज लाभ इक्वल टू डिफरेंस हमारा 5 आ रहा है, 5 ऊपर रख देंगे, नीचे सीपी रखते हैं, तो नीचे सीपी कितना है 10 रख देंगे इंटू 100 कर देंगे, 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा। देखिए तो लाभ वाला होगी एक, एक हानि वाला और बता देते हैं आप लोगों को। एक हानि वाला देख लीजिए, जैसे कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो प्रतिशत हानि बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है जो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि बताइए। देखिए आपको यहीं पे दिख रहा होगा कि हानि हो रही है हमको, क्यों, देखिए यहां से 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, कोई वस्तु तुमने 10 वस्तुएं जिस रेट पे खरीदी थी उन्हीं वस्तुओं को जब तुम 15 वस्तुएं बेचते हो तब उतना ही मूल्य आपको मिलता है, तो यानी कि हानि हो रही है हमको। वो कितने की हानि हो रही है यहां से देखिएगा, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 10 CP इक्वल टू 15 SP, ठीक है। अब सीपी इधर लाना, एसपी इधर लेना है, CP इधर ले जाना है और SP स्क्रीन से लाना है, ये 15 स्क्रीन से लाना। तो और नेक्स्ट स्टेप में SP बटे CP कितना हो जाएगा, 10/15, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना आ रहा, 5 का। अब यहाँ पे परसेंटेज हानि निकालनी है हमको, 5 का डिफरेंस आ रहा, 5 यहाँ लिख देंगे, बाकी CP कितना है 15, तो 15 यहाँ लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। आप काट दीजिए 5 से 5 गुना 5 15, ठीक है, तो 100/3 आ जाएगा यानी 33/1/3%, 33 से 1/3%, यानी इतनी इसको हानि हो रही है, 33 से 1/3% की इसको हानि हो रही है, ठीक है। तो ये हानि का क्वेश्चन था, सेम टाइप का मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन अब अलग टाइप का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने पर, ठीक है, 14/2/7 प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो वस्तु की मूल कीमत बताइए। किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने पर 14/2/7 का लाभ हो रहा है, तो वस्तु की मूल कीमत बताएं, ठीक है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये फ्रैक्शन आपको देखना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा है। मैंने जो परसेंटेज पढ़ाया था तो आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे करके फिर आसानी से कर लेते, ठीक है। तो वहां पे आप देखना जाके 14/2/7 की वैल्यू, ये परसेंटेज कितनी हमने बताई थी, 1/7 होती, ठीक है,
1/7 होती है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कि किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने पर 14 से 2/7% का लाभ हो रहा, तो वस्तु की लागत मूल्य निर्धारण, ठीक है। तब 14 से 2/7 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7 होती है, ठीक है। यानी कि 7 का जो है 14 से 2% वो 1 होगा, ठीक है। जब कोई मूल कीमत हमारी देखिए, सबसे पहले हमने ये बताया था, जो परसेंटेज पढ़ाया था, कि जो नीचे फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, जो फ्रैक्शन में होती है ए बट्टे अगर बी है, तो जो बी है वो तुम्हारी मूल वैल्यू होती है, ठीक है। और इसका भी जो भी परसेंटेज निकालेंगे वो ये आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमसे मूल वैल्यू पूछ रहा है, वो यानी कि 7 है, 7 का 14 से 2/7% 1 आएगा, ठीक है। तो यानी कि 7 तो पहले था, हमने 1 और जोड़ के बेचा, तब कितने में बेचा है, 560 में। यानी कि जो ये 560 वैल्यू दी है वो हमारी कितने 8 यूनिट की वैल्यू दी गई है, ये यूनिट में, ठीक है। 8 यूनिट की वैल्यू 560 की दी गई है, ठीक है। तो 1 यूनिट की निकालेंगे, काट दो, 560/8 कर देंगे, 8 × 56 यानी 70 हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई, तो हमको मूल वैल्यू चाहिए, मूल वैल्यू कितनी 7 यूनिट है, ठीक है। तो मूल वैल्यू हमसे पूछी गई, मूल कीमत पूछी गई, तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 70 है, तो 70 कर देंगे, 7 × 7 = 49 यानी 490, ठीक है। तो यानी कि जो वस्तु की मूल कीमत थी वो हमारी 490 थी, उसको 14 से 2/7% पे जब प्रॉफिट से बेचेंगे तो वो 560 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन, और बस ये फ्रैक्शन आपको याद रखना, हमारा पिछला वीडियो देखिएगा कि वहां पे आपको फ्रैक्शन सारे फ्रैक्शन मिल जाएंगे। मिटा देते हैं इसको, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप के। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ठीक है। किसी वस्तु को 880 रुपए में बेचने पर 11 / 1/9 परसेंटेज की हानि होती है, प्रतिशत का हानि होता है, हानि होती है। ठीक है, किसी वस्तु को 880 रुपए में बेचने पर 11 से 1/9% की हानि होती है, ठीक है। तो वस्तु की मूल कीमत ठीक है, तो वस्तु की मूल कीमत बताइए कितनी होगी। किसी वस्तु को 880 रुपए बेचने पर 11 से 1/9 की हानि होती है, तो वस्तु की मूल कीमत बताएं, ठीक है। अब देखिए 1100 × 11 / 1/9 परसेंट, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन इसकी वैल्यू आएगी 1/9, ठीक है, 1/9 आएगी, ठीक है। यानी कि हमारी जो मूल वैल्यू है हमारी 9 है मूल, ठीक है, और 9 का 11 से 1/8% निकालेंगे वो हमारा 1 आएगा, ठीक है। यानी 9 का जो निकालेंगे वैल्यू हमारी 1 आएगी, यानी कि जब 880 रुपए में बेची जाती तो उसको इतने की हानि होती, ठीक है। यानी 9 की थी, हमने कोई वस्तु 1 घटा के बेची है, यानी 9 की थी, 9 का 11% ये घटा के बेचा है तो उसकी वैल्यू 1 है, 1 घटा के बेचा है, 9 से 1 घटा के कितना 880 का हुआ हमारा, 880 रुपए बेची है। यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू, 8 यूनिट की वैल्यू 880 आई, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने निकलेगी, 110, काट देंगे 8 से 8 घटा 8 घटा, ठीक है, 110 आएगी। हमको मूल कीमत चाहिए, मूल कीमत कितनी 9 यूनिट है, ठीक है। मूल कीमत 9 यूनिट है, 9 × 1 यूनिट के लिए 110 रख देंगे, मान लग दो 900
90। ठीक है, तो हमारी मूल कीमत कितनी आ गई वस्तु की, 990 रुपए आ गई। जब 11.9% हानि पर बेचते तो हमारी 880 होगी। ठीक है, तो मूल कीमत हमसे पूछ रहा, तो मूल कीमत कितनी 990 रुपए आ गई। ठीक है, सेम सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एक लाभ में बता दिया, हानि बता दिया। मिटा देते इसको, एक सिंपल सा क्वेश्चन और देखते हैं इस वीडियो में, ये 7वां क्वेश्चन होगा। किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य पर लाभ होता है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है, थोड़ा सा पढ़ने में अजीब सा लगेगा। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य, किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ बताइए। ठीक है, जैसे कि कोई सेलर कोई सामान बेचता है, उसने क्या किया कि क्रय मूल्य पर अपना प्रॉफिट ना कंसीडर करके उसने क्या किया, विक्रय मूल्य पर अपना प्रॉफिट कंसीडर किया। तो वही है कि उसने विक्रय मूल्य पर कोई चीज बेची तो उस पर 25% उसको लाभ हुआ, लेकिन अब पूछ रहा है कि इसमें उसको क्रय मूल्य पर लाभ बताए, क्रय मूल्य पर लाभ देना हो। ठीक है, तो 25% का मतलब है, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आएगा दोस्तों, कैसे चेंज करेंगे वो एक बार देख लीजिए। 25/100 करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए परसेंटेज को 100 से डिवाइड करते हैं, 25 से 100 होगी, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 1/4 आ जाएगी। ठीक है, ये विक्रय मूल्य, ये क्रय, ठीक है। अब हमारा सीपी और एसपी, किसी वस्तु को कह रहा विक्रय मूल्य पर बेचने में विक्रय मूल्य पर ये लाभ 25% कंसीडर किया, तो 25% का मतलब 1/4, तो एसपी यानी कि 4 रहा होगा, सीपी यानी कि 4 में से 1 घट के यानी 3 रहा होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य पर जब कंसीडर करेगा तो एसपी तुम्हारा 4, सीपी तुम्हारा 3। ठीक, आप पूछ रहे हमको क्रय मूल्य पर लाभ बताइए। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1 है, 1/1। जब क्रय मूल्य पर निकालते हैं तो सीपी नीचे रखते हैं, 3 × 100 काट दो तो कितना आ जाएगा, 33 सही, 1/3%। ठीक है, तो ये हमारा क्रय मूल्य लाभ आ गया। सिंपल तो क्वेश्चन है, पेपर में अगर आ जाता है तो कुछ बच्चे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो इस एक क्वेश्चन बताना जरूरी था इस टाइप का। तो एक क्वेश्चन और इसी देख लेते हैं, जैसे कि अगर यही इसी क्वेश्चन में अगर 25% लाभ ना देके विक्रय मूल्य पर कह देता 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर कितना 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ अगर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 20% का निकालेंगे, 20% कितना 1/5 आएगा, फ्रैक्शन चेंज करेंगे। ठीक है, तुम्हारा सीपी और एसपी लिख लो, एसपी तुम्हारा 5 हो जाएगा, सीपी तुम्हारा 5 बजे घट जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1, तो 1/1 कितना, सीपी रखेंगे नीचे 4 × 100 25% आ जाएगा, तो क्रय मूल्य पर लाभ तुम्हारा कितना आ गया, क्रय मूल्य पर सीपी पर लाभ, सीपी पर 25% आ गया दोस्तों। ठीक,
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेसिक जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पर आधारित थे। बेसिक क्वेश्चन थे, बिल्कुल ही सिंपल। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आते होंगे, मैं ये नहीं कहता किसी को क्वेश्चन आता ना, सब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते होंगे, हो सकता है हमसे बेटर आइडिया से आता हूँ क्वेश्चन, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया है कि किसी को कुछ भी नहीं आता है तो वो देखे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं आता है तो वो देख लेगा, तो उसको जरूर फायदा मिलेगा। आगे के वीडियो में, अगले वीडियो में, आज की वीडियो में इतने रखते हैं, अगले वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन पढ़ाएंगे और थोड़ा सा लेवल ऊपर उठ जाएगा दोस्तों। तो जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई है उसमें जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया और पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए, देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, यहाँ पे भी नोट कर लीजिए आप। द टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप जो https://t.m/swatantraonlinestudycircle, ठीक है, http://t.m/swatantraonlinestudycircle, ठीक है, ये आप टाइप करेंगे तो आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। वहां पे क्या है, आपको फ्री PDF और जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, देखिए रेलवे ग्रुप डी और यूपी कांस्टेबल के लिए। तो दोस्तों आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो लगातार आपसे मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का आगे टॉपिक स्टार्ट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।